तो सीधे आपको लोकसभा लिए चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठे हैं और यहां पर वो अब सदन में बात रखेंगे। वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के MI-17V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुनूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिडर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लायंस नायक विवेक कुमार, लायंस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी आर चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक क्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत जी तथा उनकी पत्नी श्री मधुलिका रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में दुखद मृत्यु पर शोक व्यक्त करता हूं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में जनरल विपिन रावत ने हमारे देश की प्रतिरक्षा व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन लाने में अपना अमूल्य योगदान दिया था। उन्हें राष्ट्र के प्रति तथा अपने सैनिकों के प्रति समर्पण एवं प्रतिबद्धता के लिए सदैव याद रखा जाएगा। दिवंगत पुण्य आत्मा को हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। मैं सदन की ओर से इस दुर्घटना में वीरगति प्राप्त हमारी सशस्त्र सेना के वीर सैनिकों ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिट्ठर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर ऑफिसर
अरकल सिंह प्रदीप हवलदार सतपाल राय नायक गुरुसेवक सिंह नायक जितेंद्र कुमार लांस नायक विवेक कुमार लांस नायक बी साई तेजा के प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सभा इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है। सभा की ओर से मैं सभी वीर सैनिकों की प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान दे। अब सभा दिवंगत पुण्य आत्माओं के सम्मान में कुछ देर मौन रहेगी। ओम शांति। प्रश्नकाल 161 डॉक्टर हिना गावित। सर क्वेश्चन नंबर 161। माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सदन के सभा पटल पर रखा गया है। माननीय सदस्य, धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दी। मेरा मंत्री जी से पहला प्रश्न ये है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स परियोजना में तापी और नर्मदा है। मैं नंदुरबार लोकसभा का प्रतिनिधित्व करती हूँ, जो कि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है और एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पैरामीटर में भी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या सरकार नर्मदा और तापी को जोड़ने वाली परियोजना में नंदुरबार जिले में कोई बांध या टनल बनाने की योजना कर रही है, जिससे कि नंदुरबार जो कि एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ सिंचाई और पेयजल की समस्या का एक निवारण हो सके।